न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बड़वानी जिले के राजपुर में स्थित मिर्ची मंडी में क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करते हुए भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष मनसाराम पंचोले ने बताया कि राजपुत एवं आसपास क्षेत्र में बड़ी संख्या में कृषक निवास करते हैं एवं उनके पास पशुधन भी अधिक संख्या में पाले गए हैं। यदि आसपास के ग्रामों में लंपी वायरस से पशुओं की संख्या अचानक बढ़ जाती है तो इतना स्थान गायों के लिए पर्याप्त नहीं है, इस हेतु अलग से बड़ा स्थान देखना होगा, यदि ऐसा नहीं किया गया तो अव्यवस्था होगी। समस्या भाई साहब हमारे जिले में ये है कि लंपी वायरस से गायों में और बैलों में कई पशुओं की लंपी वायरस के कारण बीमार पड़ने के कारण कई पशुओं की मौत भी हो चुकी है और कम से कम 25 पशुओं की हानि हुई है हमारे बड़वानी जिले अपने राजपुर नगर के अंदर ऐसा। और बड़वानी जिले की अभी संख्या मेरे को बराबर मालूम नहीं है, पर राजपुर नगर की मतलब 25 पशुओं की है। और जो अभी हम 4 दिन से ज्ञापन दे रहे हैं, मतलब हमने 20 तारीख को ज्ञापन दिया तो माननीय मुख्यमंत्री के नाम, कलेक्टर के महोदय के नाम, महोदय सांसद महोदय के नाम और राज्यसभा सांसद महोदय के और पशुपालन मंत्री जी हमारे बड़वानी जिले के उनके नाम भी हमने ज्ञापन दिया, उनके बेटे को दिया था बलवंत सिंह पटेल जो जिला जनपद अध्यक्ष हैं। आज 4 दिन होने के बाद भी ना तो कोई गायों को पकड़ के क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, ना तो उनके वैक्सीन लगाया गया और उप संचालक महोदय जो बड़वानी जिले में बैठे हैं जिला अधिकारी वो 4 दिन से बोल रहे हैं कि आज वैक्सीन आ जाएगी, आज वैक्सीन आ जाए। आज कुछ पशुओं को लगी है और वो भी 15,000 वैक्सीन है, 4.5 लाख पशुओं में 15,000 वैक्सीन कहाँ लगेगी और किनको लगेगी। इससे कभी समय पर उपचार नहीं हुआ पशुओं का तो किसानों की भी हानि होगी और जो नगर पंचायत में कर्मचारी हो वो कब तक पशुओं को ढोएंगे। मतलब आज भी 4 पशुओं की मौत हुई, वो बेचारे ऐसी बांस मारते हैं, कीड़े पड़े हुए कई पशुओं में, वो बेचारे बड़ी मुसीबत से मतलब मार फेंक रहे हैं उनको। क्या लगता है लंपी वायरस से ही मरे हैं क्या? लंपी वायरस से ही मरे, कम से कम 25 पशुओं की नगर राजपुर की हानि हुई है। तो क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया है? नाइन सेंटर बनाया, ये 4-6 पाइप बांध गए और एक भी पशु नहीं है अभी तक। क्या 4 दिन पहले हम ज्ञापन दिया उसके बाद भी कोई व्यवस्था? आपने चर्चा नहीं किया डॉक्टर सीएम डॉक्टरों को? क्या डॉक्टर हम 4:30 बजे भी 4 बजे समथिंग गए थे तो 4 बजे ही हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ, ताला लगा हुआ है और उसी के ठीक सामने एक गाय माता के मुंह में भी कीड़े निकल रहे हैं और पेशाब के रास्ते में बेचारी कीड़े पड़े हैं, वो 4-5 दिन से वहीं घूम रही है, मैं लगातार उसको देखते आ रहा हूँ। और ऐसा नहीं व्यवस्था सुधरी तो भारतीय किसान संघ द्वारा आगामी दिनों में इन कार्यालयों का घेराव किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी संपूर्ण भारत मतलब शासन प्रशासन की रहेगी। सेंटर में कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ पाइप लगे हैं, 2 दिन से प्रयास कर रहे हैं जिसमें मात्र पाइप लगा के गए हैं। अभी यहाँ पर कोई नगर पालिका के कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं है, उनकी ड्यूटी नहीं लगाई है और न ही पशु चिकित्सालय विभाग के डॉक्टरों की ड्यूटी लगी है। अगर यहाँ पर गायों को लाएंगे भी तो भी जब तक पशु चिकित्सक यहाँ उपलब्ध नहीं होगा उनका समुचित उपचार कैसे होगा? आपने उनसे चर्चा की क्यों नहीं आ रहे क्या? एसडीएम साहब से भी चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर एक पशु चिकित्सालय की पशु चिकित्सक की व्यवस्था कर रहा हूँ। और सीएमओ साहब से चर्चा हुई थी तो उन्होंने भी कहा कि उन्हें मैं कर्मचारी दे दूँगा। बाद में माननीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष जी के साथ गए थे तो उन्होंने कर्मचारी देने से अपनी असमर्थता व्यक्त करी थी कि मेरे पास अभी कुछ कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं है, कमी है, कुछ बाहर गए हैं, छुट्टी पे गए हैं कुछ। तो समस्या दिख रही है आपको? जी हाँ, अगर जल्दी से जल्दी, ये बीमारी ऐसी है कि 4-5 दिन में पशुओं की हानि हो रही है और वो मर रहे हैं, मतलब अगर उनको तत्काल उपचारित नहीं किया गया तो ये बहुत बड़ी संख्या में हो जाएगी लंबी।